Hello students, software development life cycle मॉड्यूल 2 में हम आपसे जो भी मॉडल बच गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी तक हमने तीन SDLC मॉडल डिस्कस किए। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल था, दूसरा आइटरेटिव मॉडल जिसके हमने प्रोज एंड कॉन्स और किन सिचुएशन में वो यूज़ किया जाता है, और तीसरा मॉडल स्पाइरल मॉडल हमने डिस्कस किया था विद इट्स यूसेज एंड प्रोज एंड कॉन्स। अगला जो मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं वी मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। वी मॉडल में तीन स्टेजेस हैं, वेरिफिकेशन, कोडिंग एंड वैलिडेशन। इन तीनों स्टेजेस की अपनी अपनी सब स्टेजेस हैं। जैसे आप सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसके सॉफ्टवेयर की क्या आर्किटेक्चर होगी, कौन सा डेटाबेस यूज़ करेगा, कौन सी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और इंफॉर्मेशन का फ्लो, डेटा फ्लो किस तरफ रहेगा, और इस बेसिस पे हम एक एक मॉड्यूल हम डिज़ाइन करेंगे। इस मॉडल में हम साथ साथ जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट होती है हम उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिज़ाइन के लिए भेज देते हैं, कोडिंग के लिए। हर स्टेज के साथ साथ हमारे पैरेलल प्रोसेस चलते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की एक कोडिंग डायग्राम बनने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसको हम वैलिडेशन फेज के लिए जो उसकी टेस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम देते रहते हैं। ये हर फेज में होता है। जैसे ही हमारा सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट होता है पैरेलली हम सिस्टम डिज़ाइन कोडिंग के लिए भेज देते हैं, और उसके टेस्टिंग के पैरामीटर्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। कोडिंग फेज में एक्चुअल कोडिंग ऑफ द सिस्टम मॉड्यूल्स डिज़ाइन इन द डिज़ाइन फेज इज टेकन अप फॉर कोडिंग। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज जो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए होगी हम उसको डिसाइड कर लेते हैं, और जो कोडिंग है वो जो कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइंस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से कोडिंग की जाती है, और पूरा जो कोड है ये इसको बहुत सारे रिव्यूज से गुजरना पड़ता है, और फाइनली इसको ऑप्टिमाइज करके बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ फाइनल बिल्ड जो है उसको रिपोजिटरी में भेजने के पहले उसका फाइनल बिल्ड चेक किया जाता है। वैलिडेशन फेज में आपके यूनिट टेस्टिंग होती है। जब ये पूरा सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाता है तब उसकी बात टेस्टिंग होती है, सिस्टम्स की टेस्टिंग होती है, और फाइनली इसको दिया जाता है यूजर को विद द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ट्रायल्स। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है और एक एक चीज जो प्रॉमिस की गई थी वो यूजर से चेक कराई जाती है। इसका बेस्ट यूज तब होता है जब रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड हो, क्लियरली डॉक्यूमेंट हो और फिक्स रहें। जो कॉन्टिन्यूस चेंजिंग एनवायरमेंट है उसमें ये मॉडल फेल हो जाता है। आपके प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो स्टेबल रहे, टेक्नोलॉजी जो आपने फिक्स कर दी वो आप टेक्नोलॉजी रोज रोज ना चेंज करें, और कोई भी रिक्वायरमेंट्स इसमें अनएम्बिगुअस और अनडिफाइंड ना हो। साथ ही साथ प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो ये बहुत सूटेबल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए सिद्ध होता है। एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल इज दैट इसको समझना और अप्लाई करना बहुत आसान है। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से इस मॉडल को मैनेज करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द मॉडल इज नॉट फ्लेक्सिबल फॉर चेंजेस एंड जस्ट इन केस द रिक्वायरमेंट चेंज विच इज़ वेरी कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड, ये बहुत ही
महंगा मॉडल साबित होता है, तो इसलिए इसको अधिकतर सिचुएशंस में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और जैसा कि हमने कहा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स हैं, बहुत चेंजिंग नहीं है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक मॉडल सिद्ध होता है। अगला जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे उसको बोला जाता है बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग मॉडल इट कंप्राइजेस ऑफ फोकसिंग ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कोडिंग विद वेरी लिटिल और नो प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप कोड डेवलप करना शुरू कर दें, जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा, आप उसी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ आप इसमें डालते जाएं। आगे आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस हो गए, हो सकता है उससे कि आपको पूरी सॉफ्टवेयर को रिवैम्प करना पड़े। ये मॉडल जो है बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए आइडियल होता है, और जहां खाली एक या दो डेवलपर्स हों। और अधिकतर कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, जहाँ जैसे एकेडमिक्स और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स हैं। इट इज़ एन आइडियल मॉडल फॉर प्रोडक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड एंड द फाइनल रिलीज डेट इज नॉट गिवन। आपको पता भी नहीं है आपको क्या बनाना है और कितने टाइम में बनाना है, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बिग बैंग मॉडल से आप जो बनता है आप बनाना शुरू कीजिए, उसकी टेस्टिंग शुरू कीजिए, उसको इवेल्युएट कीजिए और उसमें चेंजेस लाते जाइए। अगेन वी डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स। ये बहुत ही सिंपल मॉडल है और कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसमें बहुत कम प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत मैनेज करने के लिए बहुत ही आसान है और इसमें कोई फॉर्मल प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क मॉडल, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट और मिसअंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स मे इवन लीड टू द कंप्लीट रिवर्सल और स्क्रैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आपने अगर रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं समझी और गलत समझ ली, वो किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है, पर इसमें आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज आइडियल फॉर रिपीटेटिव और स्मॉल प्रोजेक्ट्स विद मिनिमम रिस्क, जहाँ पे आपको कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आपको इसको प्रोडक्शन लाइन में डालना ही नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअल में इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ होता है। एजाइल मॉडल, एजिलिटी जैसा कि हम जानते हैं, वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी फास्ट, ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस का एक ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। इसका पूरा फोकस है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो और रैपिड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। आप फटाफट 2-3 वीक्स में एक वर्किंग मॉडल कस्टमर को बना के दे दें। इसमें होता क्या है कि इसमें प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट जो हम कस्टमर को देना चाहते हैं, उनको छोटे छोटे इंक्रीमेंटल बिल्ड्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, और अगेन ऑन दीज बिल्ड्स वी डू आइट्रेशंस। ईच आइट्रेशन में 2 या 3 हफ्ते लगते हैं और धीरे धीरे हम ये कस्टमर को दिखाते जाते हैं, ऑफर करते जाते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी हो सकता है कई बार चेंज हो, तो एवरी आइट्रेशन इन्वॉल्व्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन वेरियस एरियाज लाइक प्लान, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव मॉडल। इसमें आपको अलग अलग स्पेशलाइज टीम की जरूरत होगी, क्योंकि सारे काम इसमें पैरेलल चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ आइट्रेशन द वर्किंग प्रोडक्ट इज डिस्प्लेड टू द कस्टमर एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, कि हमने आज ये काम किया, वर्किंग प्रोडक्ट आपको दिखा दीजिए, आप संतुष्ट हैं बताइए, नहीं तो हम इसमें और चेंजेस करेंगे। इसी सीरीज में जो फास्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में है, वो अगला मॉडल आता है रैपिड एक्शन डिप्लॉयमेंट मॉडल। दिस इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट यूजेस मिनिमल प्लानिंग इन फेयर ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कि जल्दी से जल्दी हम कस्टमर को एक प्रोटोटाइप काम करता हुआ सॉफ्टवेयर बना के दे दें
आप लोग जो भी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या जो भी केस टूल्स यूज करते हैं, वो इस चीज से भली भांति परिचित हो गए कि बिना कोड लिखे आप एक काम करता हुआ खाका आप अपने कस्टमर को पकड़ा सकते हैं। जो प्रोटोटाइप जो है, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आने वाला है उसका एक मिलता जुलता सा एक रूप होगा। हो सकता है इसमें सारी फंक्शनैलिटी जो आप फाइनल प्रोडक्ट में देना चाहते हैं वो ना हो। इन रैड मॉड्यूल द फंक्शनल मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड इन पैरेलल एज प्रोटोटाइप्स एंड आर इंटीग्रेटेड टू मेक द कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी। सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था, आप एक फटाफट एक वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर आप कस्टमर को प्रेजेंट कर दें। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्री प्लानिंग नहीं होती है, तो बहुत आसानी हो जाती है कि आगे के टाइम में जैसे प्रोडक्ट बना उसमें रिक्वायरमेंट चेंज हुई, तो डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत आसान हो जाता है। रेड प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल्स को फॉलो करते हैं और इनमें छोटी छोटी टीम्स होती हैं, बट इन टीम का जो कंपोजिशन है उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़रूरी होते हैं डेवलपर होने के साथ साथ। जो रैपिड डिप्लॉयमेंट मॉडल है, इसको खाली तभी हम यूज़ करते हैं जब सिस्टम को हम मॉड्यूल्स में बांट सकें और कस्टमर को मॉड्यूल्स में डिलीवर कर सके कि एक हिस्सा आज आप ले लिए, दूसरा हिस्सा हम बाद में देके आपको इससे इंटीग्रेट कर देंगे। इट शुड बी यूज्ड इफ देयर इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइनर्स फॉर मॉडलिंग। इट शुड ओनली बी यूज्ड इफ द बजट परमिट्स टू यूज ऑटोमेटेड कोड जनरेटिंग टूल्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। क्योंकि जो ऑटोमेटेड कोड है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है हो या ना हो, दिस कोड विल डेफिनेटली ईट अप मोर स्पेस। तो जहां हमें लिबर्टी है कि ऑटोमेटेड जनरेटेड कोड है वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज आर फोकस इज ऑन रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, नॉट ऑन द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। दिस मॉडल बी चोजन ओनली इफ डोमेन एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल विद रेलेवेंट बिजनेस नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस मॉडल का। अगर डोमेन एक्सपर्ट्स आपके साथ नहीं हैं तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कस्टमर को समझे ही ना कि कस्टमर चाहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डेवलप ए लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक डोमेन एक्सपर्ट जिसकी जानकारी सॉफ्टवेयर से ना हो, जरूरी नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर की जानकारी हो, पर उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो बिजनेस प्रोसेसेस कैसे सॉफ्टवेयर में हम लेके, ये जानकारी खाली एक डोमेन एक्सपर्ट दे पाएगा। हो सकता है डेवलपर को इसकी जानकारी हो, बट ज्यादातर केसेस में नहीं होता। दिस मॉडल शुड बी यूज्ड वेयर अ रिक्वायरमेंट चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड वर्किंग प्रोटोटाइप्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू कस्टमर फॉर स्मॉल आइट्रेशन ऑफ 2 to 3 months। हर दो दो तीन तीन महीने में एक एक मॉड्यूल का आप एक वर्किंग प्रोटोटाइप आप देते जाएं, कस्टमर्स को इवेल्युएट करता रहेगा और आपको अपनी कमियां उसमें नजर आती रहेंगी और हो सकता है वो पास हो जाए। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मॉडल। दिस मॉडल इनेबल्स रैपिड डिलीवरी एज इट रिड्यूसेस द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम ड्यू टू रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड पैरेलल डेवलपमेंट। आपके साथ डोमेन एक्सपर्ट भी है, आपके साथ कस्टमर भी है, डेवलपर भी साथ में लगे हुए हैं, तो इसमें साथ साथ आपकी टेस्टिंग होती चली जा रही है, इसलिए इस मॉडल में जो टोटल टाइम कंज्यूम्ड है वो बहुत कम हो जाता है। पर इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है
ये मॉडल तभी अच्छे से काम करेगा जब बहुत ही हाई स्किल्ड इंजीनियर्स आपके पास हों डेवलपमेंट में, या फिर कस्टमर साइड से आपको बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट हो और वो आपकी पूरी मदद करे, जो भी आप टारगेटेड प्रोटोटाइप्स आप बना के दें उसको अच्छे से आपके पास फीडबैक आए, वो ढंग से आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताते चले जाए, चेंजेस बताते चले जाए। देर हैज़ टू बी ए कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम डेवलपर साइड एज वेल एज कस्टमर साइड। दोनों में से एक भी अगर कमिटमेंट फेल हो गई तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। जो नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग रेफर्स टू बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोटोटाइप्स विच डिस्प्ले द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट बट मे नॉट एक्चुअली होल्ड द एग्जैक्ट लॉजिक ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। रैपिड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में भी हमने देखा था, इसमें भी थोड़ा सा मिलता जुलता है कि आपको एक फटाफट एक चलता हुआ एप्लीकेशन दे दिया गया जो कि एंड प्रोडक्ट से मिलता जुलता होगा। हो सकता है उसका लॉजिक अंदर बैकएंड में जो लॉजिक है वो सेम ना हो। इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एज इट इनेबल्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था दूसरे मॉडल्स में कि कई बार कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सॉफ्टवेयर चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन नहीं कर पता होता है पर क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता। तो जब आप उसको कोई चलती हुई चीज़ लाकर देंगे तो वो हमेशा इस पोजिशन में आ जाता है कि वो बता सके कि हमको ये चीज़ चाहिए और ये एनहेंसमेंट चाहिए और सो मैनी सॉर्ट्स ऑफ दिस काइंड। इट हेल्प्स गेट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर एंड हेल्प्स सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स एंड डेवलपर अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट। कस्टमर का फीडबैक टाइम टू टाइम आता रहता है, इससे सबको मदद मिलती है ताकि इसको हम रिफाइन कर सकें। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट पहले आइडेंटिफाई की जाती हैं, एक तुरंत एक इनिशियल प्रोटोटाइप बना के दे दिया जाता है, कस्टमर उस प्रोटोटाइप को रिव्यू करता है और डेवलपर्स उसको रिवाइज और एनहेंस करके उसका प्रोटोटाइप बनाते रहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप के भी कई टाइप्स हो सकते हैं जो आप प्रोटोटाइप कस्टमर को बना के दे रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज थ्रो अवे रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कि आपने बना के दिया, समझ में आया, ठीक है, नहीं तो दूसरा हम बनाएंगे। दूसरा है एवोल्यूशनरी, कि आपने एक बना के दिया और धीरे धीरे उसमें फीचर्स ऐड करते चले गए, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन प्रोटोटाइपिंग। तीसरा प्रोटोटाइप हो सकता है इंक्रीमेंटल, थोड़ा अभी बनाया, थोड़ा उसके बाद और बनाया और उसको हम बड़ा करते चले गए, उसको स्ट्रेंथन करते चले गए। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग इज इन फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई टू मेक वॉट अ फाइनल प्रोडक्ट विल लुक लाइक, विच इज लिटिल डिफिकल्ट और कई बार हम इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं, बट प्रोटोटाइप के ये चार टाइप नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ पे हम इस मॉडल को यूज करते हैं? दिस मॉडल इज मोस्ट यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स हैविंग हाई लेवल ऑफ यूजर इंट्रैक्शन सच एज ऑनलाइन सिस्टम। वेब एप्लीकेशन आप देखेंगे जो कि हमको फॉर्म्स, एनी एग्जाम्पल इफ यू से इज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अधिकतर उसमें फॉर्म्स ही हैं। तो इस तरह के एनवायरमेंट में आप सबसे पहले चाहेंगे कि यूजर यूज करें, उसका फीडबैक आए और इसको हम ऑनलाइन डाल देते हैं। सो दैट्स हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। तो मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू को समराइज करते हुए हम देखते हैं कि हमने टच किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स अवेलेबल हैं और इन सिनेरियोज में इनका इस्तेमाल होता है। ऑल द पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स इन द इंडस्ट्री बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वी हैव सीन। हमने देखा
कि वाटरफॉल वी मॉडल आर ट्रेडिशनल एंड आर ऑफ सीक्वेंशियल टाइप. इटरेटिव और स्पाइरल मॉडल्स जो हैं वो बहुत एकोमोडेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज. और जो प्रोजेक्ट्स जो कि रिक्वायरमेंट जहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हैं और मार्केट रिक्वायरमेंट जहाँ चेंज होती रहती हैं वहाँ पे हम इटरेटिव और स्पाइरल मॉडल्स को यूज़ करते हैं. बिग बैंग मॉडल जो है वो उसकी रैंडम अप्रोच है और स्मॉल प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल है. आज की तारीख में सबसे पॉपुलर मॉडल जो है वो एजाइल मॉडल है इंडस्ट्री में और इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट डिलीवरी टू कस्टमर यूजिंग प्रोटोटाइपिंग अप्रोच. रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप आर मॉडर्न टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट इन ए बेटर वे अर्ली इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस मॉडल एंड होप ऑल दिस डेवलपमेंट मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ डेवलपर इज डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एंड सब्सिक्वेंटली when you analyze software vulnerabilities and when you study software patches you will know what are the constraints a software developer is working in and how he could have improved to improve the security of a software product. Thank you very much. Aapko agar koi cheez jiski jankari vistrit roop se chahiye ho उसको आप हमारे कोर्स मटेरियल में देख सकते हैं और जो भी आपकी समस्या हो UOU की वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो. नमस्कार.